फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सवालों के जवाब जो बहुत से बिगनर्स के मन में आते हैं कि मिथिला पेंटिंग किस चीज़ से होता है या उसको स्टार्ट किसे करते हैं, फैब्रिक पर जो काम करेंगे तो ये जो नींव कहाँ से लें या इसको क्या बोला जाता है। कितने को ये भी पता नहीं होता है कि इसको क्या बोला जाता है या कलर कहाँ से लें या कलर को क्या बोला जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको नीब बोलते हैं, ना कि इंक पेन, इसको नीब बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह से है। ये पेन होता है, पेन उस टाइप का है, लेकिन इसका जो शेप है आगे का देखते होंगे आप कि आप देख सकते हो ये इसको नीब बोलते हैं और एक होता है फाउंटेन पेन का जो नीब, वो तो आप ये जो दोनों में आप अंतर देख सकते हो कि इसका जो पॉइंट होता है वो गोल होता है। आप देख सकते हो कि ये जो है पेन उसका जो ये पॉइंट होता है वो गोल होता है और इसका पॉइंट होता है सो फ्लैट होता है, इसमें पॉइंट नहीं होता है इस गोल टाइप का। तो आप देख सकते हो कि दोनों में अंतर क्या है, देख सकते हो किस तरह का होता है। जो पेंटिंग वाला जो नीब आता है वो इस तरह का फ्लैट होता है। तो इसको हम साइड कर देते हैं, अब बताते हैं। तो ये नीब आपको मार्केट में 20 से 25 रुपये तक आपको मिल जाएंगे, बहुत आराम से मिल जाएंगे मार्केट में या स्टेशनरी शॉप में। आप कहीं से भी ये नीब खरीद सकते हैं। और इसका जो है जो वैसे तो ये इसका नीब होल्डर भी आता है, तो आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, या मैं तो इसी में यूज़ कर लेती हूँ घर में जो खाली पेन पड़े रहते हैं उसका कवर, देख सकते हैं। तो मैंने वही लिया है ये पेन का कवर। तो आप इस तरह से इसको यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा, इसको हार्ड होता है तो थोड़ा हार्डली इसको प्रेस करके और यहाँ ऐसे इसमें फिट कर, इस तरह से ये फिट कर दो, टाइट से फिट करके इस तरह से बना लेना है। तो ये हो गया आपका नीब तैयार हो गया। अब आते हैं कलर पे। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए इस तरह से कलर आता है। आप मार्केट से इसको खरीद सकते हो, ये भी 18 से 20 रुपये तक में आपको हर कलर का ये आपको मिल जाएगा। तो मैं अब ये नीब बना ली हूँ, अब मैं इससे आपको कलर चढ़ा के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा सा ले लेना है, इसके बाद ऐसे इस तरह से आप नीब से बना के खुद से ऐसे कर सकते हो। देखिए इस तरह से आप पूरा में भर सकते हो थोड़ा थोड़ा लेते हुए, एक्स्ट्रा जो बच जाता है हो जाता है उसको आप साफ कर करके आप ये कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो सारे कलर भर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से तो आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ से पेंटिंग बनाया जाता है, या ये स्केच होता है या कचनी होता है। इसी से स्केच भी होता है, इसी से कचनी भी होता है, इसी से आप हर कलर का इसी से काम कर सकते हैं। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो या कुछ भी हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।